वेल दैट डिपेंड्स। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं एथीस्ट हूँ, तो मेरा आंसर आपको ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा एथीस्ट का मीनिंग क्या है। ओके, फेयर इनफ। तो आपका ये कहना है कि जो गॉड में विश्वास नहीं करता वो एथीस्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फिर आपकी गॉड की कॉन्सेप्ट क्या है, या मैं इसे ऐसे क्लियर कर देता हूँ। आजकल हम जिन्हें एथीस्ट कहते हैं उनमें दो तीन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिनका कहना है कि ये जो कुछ हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं अलग अलग, हमारा जो जीवन है, जड़ और चेतन जितनी प्रकृति है, ये सारा कुछ अपने आप हो रहा है। इसको करने वाला, इसका कोई संचालन नहीं हो रहा, एक रैंडम इवेंट है। तो अगर आप उस तरह के एथीस्ट हैं तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे, एक्चुअली मेरा मानना शायद शब्द गलत हो जाएगा, कि मैंने इस पर बहुत विचार किया है और मेरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि इसके पीछे कोई एक ग्रैंड डिज़ाइन है, ये रैंडम नहीं है। तो इसमें से, मतलब ये जो चार वाक हम इसे जनरली बोल देते हैं, चार वाक कैटेगरी में मैं नहीं आता, तो वो तो आप निकाल दीजिए। दूसरा आता है पैगंबरवाद वाला गॉड, वो गॉड जो बड़े स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स दे रहा है कि तुम्हें एक लाइफ दी है मैंने, अगर तो मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, मेरा ये वाला नाम तुम ले रहे हो, फिर तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें परमानेंटली एक हेल में भेजने वाला हूँ, एक जहन्नुम में भेजने वाला हूँ, जहाँ पर तुम्हें तरह तरह के टॉर्चर दिए जाएंगे। तो इस तरह का अगर गॉड है तो वो भी नहीं मैं मानता, तो भी आप मुझे एथीस्ट कह सकते हैं। तो अब ऑब्वियसली मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं उसका आंसर पहले ही दे रहा हूँ कि मैं जो पतंजलि योग सूत्र में दिया गया ईश्वर है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं फिर एथीस्ट नहीं हूँ।